Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dream to English. In this video, I am going to talk about a very beautiful and motivational poem named The Little Plant. There are three stanzas in this poem, and this poem describes the wonders and beauty of the nature. To know more about the wonders and beauty of the nature, make sure do watch this video till the end. My name is Dr. Ratan Patel and I am an English grammar trainer. I help in improving English grammar. So without making further delay, let's get started. This is the title of the poem, A Little Plant, Ek Chota Pauda. We are always curious, hum hamesha jigyasu rehte hain, ya nayi nayi cheezon ko janne ke ichhuk rehte hain. About new things, नए नई चीजों के बारे में, टू ग्रो इन लाइफ, जो हमारे जीवन में हेल्प करती हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं, लाइक द लिटिल प्लांट, उस छोटे पौधे के समान, जिस प्रकार की एक छोटा पौधा जिज्ञासु रहता है, उत्सुक रहता है इस संसार की सुंदरता और आश्चर्य को देखने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में नई नई चीजों को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं कि जो चीजें हमारे जीवन में हमें हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में. द फर्स्ट स्टेंजा इज इन द हार्ट ऑफ अ सीड, बीज के हृदय में, बरीड डीप सो डीप, बहुत ही गहराई में, बहुत ही गहरे लेवल पर, अ डियर लिटिल प्लांट, एक बहुत ही छोटा प्यारा पौधा, ले फास्ट असलीप, जो कि सोया हुआ है, अभी गहरी चिर निद्रा में सोया हुआ है. इसी प्रकार से व्यक्ति के हृदय में भी, व्यक्ति की हृदय की गहराई में भी, बहुत ही नए नए विचार, बहुत ही गहरे लेवल पर गहराई में दबे हुए रहते हैं, सोए हुए रहते हैं. वेक सेट द सनशाइन, जो धूप है, प्रकाश है, धूप है, जो सूर्य का प्रकाश है, उसने बीच से बोला, वेक, जागो, एंड क्रीप टू द लाइट, और सूर्य के प्रकाश की तरफ, धूप की तरफ आगे बढ़ो. क्रीप मतलब होता है रेंगना. वेक सेट द वॉइस, और एक आवाज आई, ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, जो कि बारिश की बूंदों से एक आवाज आई, जो बारिश की चमकीली बूंदें थी उधर से आवाज आई, वेक, जागो. एंड द लास्ट स्टेंजा इज द लिटिल प्लांट हर्ड, और छोटे से पौधे ने, जो कि बीज के बहुत ही गहराई में सोया हुआ था, उसने सुना, एंड इट रोज टू सी, और वह जागता है, आगे बढ़ता है, टू सी, देखने के लिए, व्हाट द वंडरफुल, कितने आश्चर्य, जो बाहर की दुनिया है उसमें कितना आश्चर्य है, कितनी सुंदर है, आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, जो बाहर की दुनिया है, जो बाहर की प्रकृति है, बाहर का संसार है, वह कितना सुंदर हो सकता है, कितना आश्चर्यजनक हो सकता है. द मोरल लेसन ऑफ दिस पोएम इज वेरी सिंपल एंड मोटिवेशनल. व्हेन अ लिटिल प्लांट हु इज डीप बरीड इन द हार्ट ऑफ अ सीड, व्हेन इट कम्स आउट बाय द हेल्प ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड सनशाइन ऑफ द सन, इन द सेम मैनर वी कैन मेक अवर लाइफ वंडरस एंड ब्यूटिफुल बाय द हेल्प ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड. सो लेट्स कॉल इट अ डे. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, प्लीज पुट योर डाउट एंड क्वेश्चन इन कॉमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू रीड योर कॉमेंट. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल. एंड थैंकिंग यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल. See you in the next video with some interesting and amazing stories. Till then, take care. Bye-bye.